हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। तो आज हम बनाएंगे ब्रेड की मिठाई, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आइए इस मिठाई को हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर ब्रेड ले लिया है। तो ब्रेड हमने यहाँ पर 8 से 10 पीस लिए हैं। आप जितना बनाना चाहते हो, कम ज़्यादा उतना अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेड के किनारे को कट कर लेंगे। मैं यहाँ पर इसे सीजर से कट कर रही हूँ, आप चाकू की मदद से जैसा आपको सही लगे वैसा इसे कट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें ब्रेड के चारों जो किनारे हैं इसे कट कर देना है। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर दूसरा ब्रेड ली हूँ, इसे भी कट कर लूँगी इस तरह से। तो इसी तरह से हमें ब्रेड के जो चारों किनारे हैं इसे कट करके हटा देना है। ये देखिए इस तरह से। और अब हम एक ब्रेड के 4 पीस करेंगे। तो मैं यहाँ पर इस तरह से एक ब्रेड में 4 पीस कर ले रही हूँ। आप जितना छोटा बड़ा बनाना चाहते हो उस हिसाब से आप इसे कट कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा छोटी नहीं होती है, ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। ये मीडियम साइज़ की मिठाई से हमारी बनकर तैयार होती है। तो हमने इसी तरह से सारे ब्रेड को कट कर लिए हैं। तो अब हम इसके लिए बनाएंगे चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर फ्लेम ऑन करके एक बर्तन चढ़ा दिया है। बर्तन में हमने पहले से थोड़ी सी चाशनी बची थी, तो इसी में हमने डाल दिया है। अब इसी में हम डाल देंगे आधी कटोरी चीनी और इसे मिला देंगे चाशनी में। इसके बाद हम इसमें आधी कटोरी चीनी लिया था, तो आधी कटोरी ही पानी इसमें डाल दूँगी इस तरह से, और इसे अच्छे से मैं पका लूँगी। तो अब आप चाशनी कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए इस तरह से कोई कटोरी या कप ले सकते हैं, कोई भी बर्तन आपके लिए ले सकते हैं। तो जितना आप चीनी लें उतना ही आप पानी ले लें और इस तरह से चाशनी बना लें। उसमें आप 2-3 इलायची कूट कर डाल दें या फिर इलायची पाउडर डालकर अच्छे से पका लें। 2-3 मिनट में चाशनी बन जाती है। तो यहाँ पर चाशनी में अच्छा सा उबाल आ गया है, तो हमें इसमें तार वाली चाशनी नहीं चाहिए। तो हम जैसे रसगुल्ले या फिर जलेबी का सीरा बनाते हैं उसी तरह से हमें इसका सीरा बना कर रेडी कर लेना है। तो ये बहुत आसानी से बहुत जल्द बन जाता है। इस तरह से हमें इसे मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है, तो हमारी चाशनी बहुत ही आसानी से बन जाती है। या फिर आप इस तरह से उंगलियों के बीच इस तरह से सीरा लेकर इसे चेक कर सकते हैं। ये एक चिपचिपी सी लग रही है, तो समझ लीजिए हमारी चाशनी बनकर रेडी हो गई है। तो मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी। यहाँ पर हमने चाशनी बना ली है इस तरह से, ये देखिए। अब यहाँ पर एक कटोरी हमने ले लिया है, अब इसमें हम आधी चाशनी डाल देंगे कटोरी में और आधी चाशनी इसी में रहने देंगे। यहाँ पर हमने आधी चाशनी निकाल लिया है, इसे हम एक प्लेट में रख देंगे और इसमें हम डालेंगे कलर। तो ये ऑरेंज कलर है, ऑरेंज फूड कलर, इसे हम अच्छे से मिला देंगे। तो चाशनी अभी गर्म है तो अच्छे से मिल जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑरेंज कलर बन के रेडी हो गया है, अब इसे हम साइड में रख देंगे। और यहाँ पर हमने फिर से ये जो सीरा बचा हुआ है इसमें भी कलर मिलाएंगे, तो इसमें हम मिलाएंगे ग्रीन कलर, ये ग्रीन फूड कलर है, इसे अच्छे से मिला देंगे। तो इस तरह से हमारा ग्रीन कलर बनकर तैयार हो जाता है। अच्छी तरह से इसे मिलाना है। अब इसे हम साइड में कर देंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर लिया है एक बाउल, अब इसमें हम डालेंगे मलाई। जो नॉर्मल दूध से मलाई निकलती है वही हमने मलाई ले लिया है और इसमें डाल देंगे। मलाई डालने के बाद हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर हमने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच लिया है। तो 3 से 4 चम्मच मलाई और 3 से 4 चम्मच मिल्क पाउडर लेंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे।
आप चाहें तो इसमें नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर एक चम्मच लिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से इसे मिक्स कर देना है, अच्छे से मिला देना है सभी चीज़ों को। तो हमने यहाँ पर इसे अच्छे से मिला लिया है, अब इसे हम साइड में कर देंगे। इसके बाद हम लेंगे ब्रेड जो हमने कट करके रखे हुए हैं, और इसके बाद ये ऑरेंज फूड कलर, और ब्रेड का एक पीस लेंगे और इसमें अच्छे से डिप कर देंगे इस तरह से। इसमें जो एक्स्ट्रा सीरा है इसे हम निकाल देंगे। इसके बाद हम लेंगे नारियल का बुरादा और इसमें अच्छे से कोट करेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये हमारी सुपर टेस्टी मिठाई बनकर रेडी हो जाती है। और हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये देखिए, इस तरह से ऑरेंज कलर बनकर रेडी हो गया है। इसके बाद हम फिर से लेंगे सीरा और एक ब्रेड का पीस उठाएंगे और इस तरह से पहले इसे नीचे रख देंगे। अब इसे हम अच्छे से डिप करेंगे और नारियल के बुरादा में अच्छे से हम इसे कोट कर लेंगे। अगर आप इसे नारियल का बुरादा नहीं खाना पसंद करते हैं तो, या फिर नहीं डालना चाहते हैं तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं। ऐसे ही बहुत अच्छी मिठाई बन जाती है। नारियल का बुरादा डालने से देखने में बहुत अच्छी लगती है और स्वाद भी इसका बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम ऑरेंज कलर बनाकर रेडी कर लेंगे। इसके बाद हम बनाएंगे ग्रीन कलर, तो इसे भी हम इस तरह से डिप कर देंगे ग्रीन कलर में। और इसके बाद नारियल के बुरादा लेकर अच्छे से इसमें कोट करेंगे। यह देखिए, ग्रीन कलर और भी अच्छा लग रहा है देखने में। फिर से हमने एक ब्रेड ले लिया है, ब्रेड का पीस, और इसे अच्छे से सीरा में डिप करके और इस तरह से नारियल के बुरादा में हम अच्छे से कोट कर लेंगे। इसे देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से ब्रेड की मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, इसमें बहुत ही कम खर्च में बहुत ही अच्छी मिठाई बनकर रेडी हो जाती है। ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है, ना ही ज़्यादा सामान लगता है इसमें। तो इस तरह से हम मिठाई बनाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने ऑरेंज और ग्रीन कलर दोनों मिठाई बनाकर रेडी कर लिया। आप चाहें तो इस तरह से एक ही कलर की मिठाई बना सकते हैं, या फिर चाहें तो दो कलर की बनाएं। आप जैसा चाहें वैसा इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूंगी पिस्ता। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा पिस्ता कतरन लिया है, अब इसे हम अच्छे से गार्निश कर देंगे ऑरेंज कलर को। हमने इसे पिस्ता से गार्निश किया है। आप चाहें तो इसमें बादाम को भी कट करके गार्निश कर सकते हैं। और हम ग्रीन कलर में डालेंगे जस्ट जेली, इस तरह से। ये ग्रीन कलर देखने में अच्छा लगता है।